अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइज़, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समर ड्रेसेस के नए नए डिज़ाइन। मैंने अपने ड्रेसेस बनवाए थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला ड्रेस है। सो ये मैंने अंदरिखा स्टाइल में बनाया है। ये सारे ड्रेसेस जो हैं वो निशाद के हैं, कोई टू पीस है कोई थ्री पीस है। तो इसको डिज़ाइन खुद करवाया है। तो इसके बाजू मैंने कुछ इस तरह से बनवाए हैं। ये जो समोसी टाइप बनी हुई है, ये उन्होंने खुद दर्जन ने खुद बना के जो है वो लगाई है। तो ये अंदरिखा स्टाइल में बना हुआ है और नीचे से इसका डिज़ाइन देख लें आप, कुछ इस शेप में बना हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनवाया है मैंने। तो आप लोग भी बनवा सकते हैं सिंपल ड्रेसेस लेके। जो आइडियाज़ नहीं होते कि कौन से डिज़ाइन बनवाएं, तो आप लोगों को आइडियाज़ भी मिल जाएंगे कि हम किस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो बनवा सकते हैं। इसके बाजू जो हैं बहुत ही खूबसूरत से बने हुए हैं। तो ये इसका सारा ट्राउज़र है, ट्राउज़र का जो कपड़ा है उसके वो फूल वगैरह बना के वो बाजुओं पे लगाए हैं। तो ये मैंने सादा सा कैप्री बनवाया है तो स्किन कलर का। और ये इसका सारा दुपट्टा है खूबसूरत सा शिफॉन का, बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सा दुपट्टा है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला डिज़ाइन। और इसके बाद जो हमारा दूसरा डिज़ाइन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे प्रिंटेड खूबसूरत सा दुपट्टा है। उसके बाद दूसरा हमारा ये ड्रेस है। इसका गला मैंने इस तरह से कट वाला गला इसका बनवाया है। और इसके साथ ये देखें चुनट वाले ये बाजू हैं, टिशू लगा हुआ है, ये टिशू लगवाया है तो इसके चुनट्स डलवाए हैं साथ। और इसके दामन पे भी इसी तरह से जिस तरह से गले पे कट बनवाए हैं उसी तरह से इसके दामन पे बनवाए हैं और साथ इसके ये टिशू लगवाया है। देखें आप कितनी खूबसूरती से जो है वो दर्जन ने सिलाई की है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रेडीमेड हो, लेकिन ये हमारी दर्जन ने सिलाई की है। उसके बाद जो इसका इसके साथ भी जो है वो ट्राउज़र बनवाया है, जो इसकी शर्ट का पीस बचा पीस है वो इसकी शलवार पे लगवाया है इस तरह से। और नीचे पांचे जो है वो इसके सादे हैं। और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा, आपको पता निशात के दुपट्टे जो हैं बहुत ही प्यारे और सॉफ्ट से होते हैं, तो इनके दुपट्टे बहुत ही सॉफ्ट हैं। और ये है हमारा दूसरा ड्रेस जो कि बहुत ही प्यारा है, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत सा है। तो ये हमारा दूसरा ड्रेस है। तो आप लोगों को साथ साथ आइडियाज़ मिल रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलवा सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ ताकि जब ड्रेसेस वगैरह होते हैं तो फिर बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होता कि हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो फिर आप जो है इस तरह से आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा ड्रेस। और इसके बाद जो है अभी मेरे और भी ड्रेसेस हैं, लेकिन जो कुछ सिल के हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये है इसका मैंने जो है गाउन बनवाया है, शॉर्ट गाउन, एक लॉन्ग गाउन होता है, ये मैंने शॉर्ट गाउन बनवाया है। तो ये जो है ये ऊपर गाउन है और ये इसके ऊपर मोटिव्स लगे हुए हैं सारे, आगे वाली साइड पे ना इसके मोटिव्स लगवाए हैं इस तरह से। ये जो शर्ट ग्रीन कलर की जो इसकी शर्ट है उसका जो है वो इसकी ये पट्टी लगवाई है और उस पर ये मोटिव्स लगवाए हैं सारे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो प्रिंटेड ड्रेस था। तो इसका फिर गाउन इतना खूबसूरत लग रहा था बन के बहुत ज़्यादा, शायद वीडियो में इतना अच्छा आपको ना लग रहा, लेकिन ये रियल में बहुत ही अच्छा जो है वो बना है। तो इसके साथ ये ग्रीन ट्राउज़र और ग्रीन ही शर्ट है, और शर्ट को जो है वो गाउन के साथ के बाजू लगवाए हैं। तो इसके गले पे भी मोटिव्स लगवाए हैं और इसके बाजुओं पे बाजू वाइट लगा के उसको ग्रीन पट्टी लगाई है। और ये नीचे से दामन इसका बिल्कुल सिंपल है और इसके साथ जो है वो सिंपल ट्राउज़र बनवाया है। और ये बहुत ही खूबसूरत सा ना कलर है। इसके साथ जो है वो इसका दुपट्टा भी जो शिफॉन का है, बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा दुपट्टा है इसका। तो ये देखें आप इसके साथ कितना खूबसूरत प्रिंटेड दुपट्टा है। इसके जो प्रिंट है ना बहुत ही खूबसूरत है, इसका दुपट्टे का भी और शर्ट का भी। तो ये देखें खूबसूरत सा जो है इसका प्रिंट है। तो इसको मैंने गाउन बनवाया था और इस ये पहना हुआ भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो एक लॉन्ग गाउन होता है तो ये शॉर्ट में था, आप इस तरह का भी डिज़ाइन बनवा सकते हैं। उसके बाद जी हमारा एक ये ड्रेस है, आप देखें इस पर कितनी खूबसूरत सी लेस लगी हुई है, ये दामन पर इसकी लेस लगी हुई है। और ये देखें प्यारी सी बहुत खूबसूरत, ये मैंने खुद ली है, मतलब इसके साथ नहीं थी, ये कढ़ाई वाला जो है ये टू पीस था तो इस पर कढ़ाई है। और ये जो बटन है ये भी खुद ला के लगवाए हैं, इस पर पहले से नहीं लगे हुए थे। तो ये साइड पे पॉकेट्स बनवाई हैं, देखिए उसने पॉकेट्स पे जो है दर्जन ने कितना अच्छा सा डिज़ाइन बनवाया है, बिल्कुल रेडी टू वेयर लग रहा है, जैसे रेडी टू वेयर शर्ट होती है। लेकिन ये उन्होंने बहुत ही सफाई से जो है वो स्टिच की, और इसके बाजू बहुत ही खूबसूरत, एक साइड पे बिल्कुल सिंपल है और एक साइड पे जो ऊपर वाली साइड है उस पर चुनर्स डलवाई हैं। ये देखें इस तरह से पूरी साइड पे नहीं डलवाई, हाफ पे डलवाई हैं। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके इस तरह के बाजू बनवा सकते हैं, ये पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये टू पीस है, इसके साथ दुपट्टा नहीं है।
और ये टू पीस में था, तो इसका ट्राउज़र जो है वो भी सिंपल बनवाया है मैंने कैपरी, मोस्टली मैं ड्रेसेस के साथ कैपरी ही बनवाती। अच्छा, इसके साथ ये हमारा सिंपल सा जो है वो ट्राउज़र है, ठीक है। उसके बाद ये इनका कलर थोड़ा तकरीबन सेम है, लेकिन जो पहले वाला ड्रेस है ना वो समर का नहीं है, वो विंटर का है, तो वो मैं लिया था, फिर वो भी साथ ही स्टिच करवा लिया। अच्छा जी, तो ये ओपन स्टाइल में शर्ट बनी है, ये देखें इसकी पट्टी लगा के ना इसके ऊपर से सिलाइयाँ लगाई हुई, ये खुद लगवाई हैं, ठीक है। तो ये भी जो है वो कढ़ाई वाला ये भी टू पीस ही है, तो इसके फुल कढ़ाई हुई भी है। तो और इस पे ये देखें उसने खूबसूरत सी पत्तियाँ बना के, जो इसके ये मोटिव्स लगे हुए हैं और पत्तियाँ, ये उसने खुद बना के लगाई हैं, तो इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया है। कुछ इसकी कढ़ाई हुई थी और ये इसके साथ फिर जो है वो अच्छी सी खूबसूरत सी रेडी टू वेयर शर्ट बन गई है। तो ये बहुत ही प्यारा सा सूट जो है वो स्टिच हो गया। इसके बाजू पर जो है ये पहले कढ़ाई, मतलब कि जो शर्ट पहना है उसके साथ की कढ़ाई इसके बाजुओं पर भी हुई है। और ये देखें जी, ये हमारा प्यारा सा जो है वो सूट रेडी है। तो आप इस तरह से भी, अगर आपके कढ़ाई वाले सूट हैं तो आप उनको इस तरह से भी जो है वो डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। ये नीचे से ओपन शर्ट है, ठीक है, ये थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं रखवाई, थोड़ी सी ओपन शर्ट रखवाई है। तो एक हमारा ये ड्रेस जो है वो, और इसके साथ इसके साथ भी ये है सिंपल ट्राउज़र, ये लॉन्ग शर्ट है और इसके साथ ना ये सिंपल ट्राउज़र है। तो इसके बाद जो है वो हमारा ब्लैक ड्रेस है, तो ब्लैक ड्रेस तो सबका जो है वो मोस्ट फेवरेट कलर होता है। तो इस पे ये बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई हुई है और ये मैंने शॉर्ट फ्रॉक जो है वो सिलाई करवाई है, ये शर्ट नहीं है, ये फ्रॉक है। इसके साइडों पे जो है वो उन्होंने पैनल्स लगाए हैं, पैनल्स नहीं लगाए, ये देखें इस तरह से चुनर्स बनाई हैं, दोनों साइड्स पे चुनर्स बनाई हैं। इसके बाजू भी इस तरह से फुल एम्ब्रॉयडर्ड है शर्ट, ये आगे गला बना हुआ है एम्ब्रॉयडर्ड और फुल जो शर्ट है वो फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। ये बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट है, ये इसके ऊपर अलग से गला लगा था, पैच था गले का, बाजुओं पे भी पैच हैं और ये गले का भी जो है वो पैच था। तो इस तरह से खूबसूरत सा जो है वो ये थ्री पीस ड्रेस था, ये भी निशात का, ये सारे ड्रेसेस जो हैं वो निशात के हैं। तो इसके साथ जो है वो मैंने ट्यूलिप बनवाया, शॉर्ट फ्रॉक है और साथ ये ट्यूलिप पे भी लैस लगवाई है, ये देखें खूबसूरत सी लैस है। इस तरह से भी आप अपने ट्यूलिप जो हैं वो डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो ये हमारा एक और ड्रेस रेडी है बिल्कुल, और इसके साथ जो दुपट्टा है लॉन का है, शिफोन का नहीं है। इसके साथ जो ये देखें लॉन का दुपट्टा है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट सी लॉन है। सो ये हमारा ब्लैक ड्रेस जो है वो बिल्कुल बन के रेडी है। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास एक लाइट कलर का ड्रेस है, ठीक है, इस ये भी सारा कढ़ाई वाला है, ठीक है, ये भी जो है कढ़ाई वाला ड्रेस है और ये बहुत खूबसूरत सा कलर है। इस पर इस तरह की कढ़ाई हुई है, आप देख लें प्यारी सी। इसके बाजू पे भी जो है वो मैंने लेस लगवाई है और इसका गला देखें जी, इतना प्यारा सा गला बनवाया है और इस पे एक बटन लगवाया है। उसके बाद जो है इसके बाजू पे इस तरह से ये देखें डिज़ाइन बनवाया है और बाजू पे जो है वो छोटी छोटी लेस लगवाई है। तो इसके बाजू का डिज़ाइन जो है बहुत ही प्यारा है, आप लोग जो है वो इस तरह का बनवा सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल शर्ट है तो आप फुल शर्ट पे भी इस तरह का डिज़ाइन बनवा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद जो है इसकी शलवार थोड़ी डिज़ाइनिंग वाली बनवाई है, ये देखें ये बहुत ही प्यारा जो है वो मैंने डिज़ाइन देखा था, तो फिर मैंने इस तरह का स्टिच करवाया है शलवार ही, लेकिन उस पर थोड़ा डिज़ाइन बनवा लिया। तो ये जो है ये ड्रेस भी हमारे पास टू पीस ही है, तो इन सारे दुपट्टे लिए हुए हैं, उन पर लैस लगने गई हुई है, तो इस वजह से फिर वो मैं साथ नहीं दिखा सकी। तो उसके बाद हमारे पास ये रेड फ्रेश बहुत ही खूबसूरत सा कलर है, ये भी कढ़ाई वाला है, तो इसके ऊपर ये थोड़ा जैकेट स्टाइल जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है, ये देखें इस पर भी बटन जो है वो हमने ख़ुद लगवाए हैं, क्यों इसमें डिज़ाइन था तो फिर इस पर मैं बटन लगवाए हैं। और इसके बाजू भी मैं आपको दिखा दूँ, इसके जो हैं वो फूल बाजू बनवाए हैं और ये पहने हुए इतने अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये मेरे बहुत फेवरेट जो हैं वो बाजू हैं, ये मैंने मोस्टली अपने ड्रेसेस पे यही बनवाए हैं। इस पर इस तरह से लैस लगवाई है और ये जो हैं इसके फूल वाले बाजू बनवाए हैं, ये पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसका ये देखें ज़रा, जिस तरह से जो हैं बने हुए बहुत, पहने हुए बहुत, बने हुए तो प्यारे लगते लगते हैं, लेकिन ये पहने हुए भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो जिस तरह की बाजुओं पर लैस लगवाई है, इसी तरह की जो है वो इसकी पाँचों पर जो है वो दो तरह से नीचे और फिर ऊपर जो है वो इस तरह ये देखें लैस लगवाई है। तो ये भी बहुत प्यारा सा जो है वो हमारा ट्राउज़र बन गया है। उसके बाद जो है हमारे पास एक ये वाला ड्रेस है, उसके बाद हमारे पास एक ये ड्रेस है, ये देखें इस पर भी इस तरह से जो है जिस तरह की कढ़ाई हुई है, उस तरह के कलर की जो थ्रेड की वो है वो डिज़ाइनिंग करवाई है, और इस पर कढ़ाई जो है ना बहुत प्यारी कढ़ाई हुई हुई, मैं आपको दिखाती हूँ, देखें बहुत ही खूबसूरत सी यूनिक किस्म की इस पर कढ़ाई हुई हुई है। और ये भी ओपन स्टाइल में शर्ट बनवाई है और इस पर ये देखें
दो कलर के जो है, जिस तरह की कढ़ाई है उस कलर के, इस पर दो कलर के बटन्स लगवाए हैं। तो ये भी हमारी बहुत प्यारी सी जो है वो शर्ट बन गई। गला इसका सिंपल ही है लेकिन ये बहुत ही अच्छी सी उन्होंने सिलाई की हुई है हमारी शर्ट, तो इस पर कढ़ाई भी बहुत खूबसूरत सी हुई हुई है। तो अगर आपके सिंपल ड्रेसेस हैं, अगर आपको समझ नहीं आती कि हम अपने कढ़ाई वाले सिंपल ड्रेस किस तरह से बनवाएं, तो आप इस तरह से जो है वो उनको रेडी करवा सकते हैं। होप आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिले होंगे। इसके बाजू भी देख लें, जैसे दामन पे है वैसे ही इसके बाजुओं पे डिज़ाइन बनवाया है। हाँ जी, तो इसके जिस तरह से इसके दामन पे है वैसे ही इसके बाजुओं पे थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बनवाया है। तो ये भी हमारा खूबसूरत सा जो ड्रेस है वो बिल्कुल रेडी है। तो इसके साथ इसका जो ट्राउज़र है उस पर भी थोड़ा बहुत जो है वो मैंने काम करवाया, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये आगे से ओपन शर्ट है, ये देखिए, ये इसके पांचों पे इस तरह से जो शर्ट में कढ़ाई ना उस कलर की जो है इस पर डिज़ाइनिंग करवाई है, और ये ऊपर छोटी छोटी लेस लगवाई है। तो ये भी हमारा ड्रेस जो है वो बिल्कुल रेडी है। उसके बाद जो है हमारे पास ये ड्रेस है। ये सारे जो हैं वो निशात कलेक्शन के हैं, कोई टू पीस हैं कोई थ्री पीस हैं, आपको देख के आइडिया हो गया होगा। तो अगर आप लोग सिलवाना चाहते हैं तो आप इस तरह के ड्रेसेस सिलवा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसका स्क्रीनशॉट लें और अपने टेलर के पास लेके जाएं, इस तरह से बनवा लें। तो इसके बाजू भी जो हैं वो उन पे भी डिज़ाइन करवाया है और इस पे भी बटन लगवाए हैं, क्योंकि ये भी जो है वो कढ़ाई वाला टू पीस है। तो इसके बाजू कुछ इस तरह से बनवाए हैं, थ्रेड वर्क करवाया ऊपर, ये देखें बहुत ही प्यारा सा, पहले चुनर सिलवाई हैं और उसके ऊपर जो है वो थ्रेड वर्क करवाया है। तो ये बहुत ही प्यारा सा जो है हमारा ड्रेस रेडी हो गया है। इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी बैक साइड पे भी हमने इस तरह, अच्छा जी, तो इसके ये फ्रंट पे भी इस तरह से हमने तीन चुनर सिलवाई हैं दोनों साइडों पे, और इसकी बैक जो है वो फुल इस तरह से बनवाई है, पूरी बैक पे ना इस तरह से हमने थ्रेड वर्क करवाया है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये पीछे से सिंपल थी, इसकी बैक प्लेन थी, तो इस पर हमने ये वाला काम करवाया, ये बहुत खूबसूरत। तो इस पर इस तरह के कुछ पैच लगवाए हुए हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा हमारा ड्रेस रेडी हो गया, और इसके साथ भी सिंपल सी जो कैपरी बनवाई है, और इसका दुपट्टा भी है, ये टू पीस नहीं है सॉरी, ये थ्री पीस है, और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत सा इसका, बहुत निशात के दुपट्टे बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये इसके साथ हमारा दुपट्टा है ये, और ये रहा हमारा लास्ट ड्रेस। तो गाइस, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, अपना बहुत सारा प्यार दिखाया करें, चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें। तो अगर आपको जो ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।